वेलकम टू माई चैनल। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, दिस ब्लॉग विल बी ऑल अबाउट अ डे इन माई लाइफ इन मेडिकल कॉलेज। गाइज, ये ब्लॉग 6 मंथ पुराना है। कैन यू बिलीव इट गाइज, बिकॉज ऑफ सम सिली रीजंस ऑफ माइंड मैंने ये ब्लॉग नहीं अपलोड किया था। ऐसे ही गाइज मन नहीं किया था उस टाइम अपलोड करने का, या फिर बहुत सारे ब्लॉग थे उस टाइम, तो बस यूँ ही नहीं किया था मैंने। तो आई थिंक कि अब ये जाना चाहिए कि आप लोग को भी दिखना चाहिए कि मैंने उस टाइम क्या क्या किया था, और मेरी भी एक मेमोरी रह जाएगी कि मैंने उस टाइम क्या क्या किया था। गाइज, मैंने केवल कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब वॉइस ओवर तो अब मैं करने वाली हूँ अब जाके, तो बस वीडियो देख के मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि उस टाइम का तो मुझे कोई मेमोरीज याद नहीं है गाइज। तो लेट्स डू इट गाइज। ओके गाइज, तो आई थिंक यू विल लव दिस ब्लॉग, क्योंकि ये एक मेडिकल स्टूडेंट का ब्लॉग है, अ डे इन माई लाइफ वाला, और मैंने क्या क्या किया था आप भी देख सकोगे। तो गाइज, लेट्स पोस्ट इट एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। के बाद आई वेंट फॉर फ्रेशन अप, तो चलिए जी चलते हैं। अच्छा गाइज, डू कॉमेंट डाउन आगे की वीडियोज आपको किस टॉपिक पे चाहिए। डू यू वॉन्ट टू सी माई कॉलेज वाली जर्नी? कॉमेंट डाउन गाइज, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक ऑन दैट। एंड उस टाइम पे आई वॉज यूजिंग मामाज अर्थ का फेस वॉश, जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया गाइज। तो अभी आई एम यूजिंग VLCC का फेस वॉश। एंड ये सब करने के बाद मैंने वजू किया और फिर मैंने नमाज और तिलावत किया। गाइज, ये हॉस्टल में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ी खुद को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब ऐसे नमाज पढ़ना वगैरह, बट आई एम सो लकी कि मुझे जो रूममेट मिली ना, सी वॉज सो अंडरस्टैंडिंग। मतलब बहुत लोग होते हैं कोऑपरेट नहीं करते हैं, बट सी इज नॉट। तो चलिए जी पढ़ते हैं नमाज। सुबह का मेरा खजूर खाना तो फिक्स रहता था, अभी मैं मॉर्निंग में किसमिस का पानी पीती हूँ। या गाइस, बहुत ही फायदेमंद होता है इम्यूनिटी, पिंपल्स, इन सब के लिए आप उसके फायदे सर्च कर सकते हो। गाइस बी स्मार्ट। एंड गाइस, जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही थी ना, तो मैं बालकनी से नीचे देख रही थी कितना क्लीन दिख रहा है अभी, तो इसका स्टेटस बहुत ही बुरा है गाइस इस टाइम पे। आई विल शो यू गाइस सम डे। ओके देन, रेडी होते हैं। गाइज, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा टाइम बच जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो वही आई वॉज स्टडिंग। गाइज, बहुत लोगों को लगता है कि नर्सिंग की पढ़ाई ही तो है, इतना क्या पढ़ना, बट गाइज आप खुद सोचो, अगर डॉक्टर को असिस्ट करना है हमें, तो पढ़ाई का लेवल इतना भी कम नहीं होगा ना, है ना। एंड फॉर दोज पीपल जिन्हें नहीं बिलीव है, तो दे कैन सर्च ऑन गूगल वर्ड्स टफेस्ट कोर्स, दे विल गेट देयर आंसर। एंड देन रेडी होके मैं निकल पड़ी कॉलेज की ओर, तो चलिए जी चलते हैं कॉलेज, लेट्स गो।
से एक हमारा कॉलेज टाइम होता है, मतलब कि एक एक घंटे की तीन क्लासेस लंच से पहले चलती हैं और फिर 2 घंटे की क्लासेस लंच के बाद। एंड या गाइस, हमें धूप में करीब 1 किलोमीटर खाना खाने के लिए कैंपस में ही हॉस्टल जाना पड़ता है। और जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था ना गाइस, उसी दिन हमारे नए नए बुक्स आए थे, तो आई वॉज जस्ट डिस्क्लोजिंग देम। करने के बाद वापस फिर से पढ़ाई, एंड हियर आई वॉज कम्प्लीटिंग माई असाइनमेंट। गाइज, बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं, मतलब बहुत, नर्सिंग में तो बहुत ही ज़्यादा। समटाइम्स आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट क्या करें गाइज, बनाना तो है ही। एंड लुक एट माई बेड कंडीशन, कितना बुरा है ना। तो दीज ऑल आर कम्प्लीटेड नाउ। गाइज, लैम्प लाइटिंग की वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी क्योंकि एग्जाम मेरा पोस्टपोन हो गया है, तो आई एम अपलोडिंग नाउ। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय, टेक केयर।